हेलो, मैं डॉक्टर अलका, हेड उदयपुर ब्रांच ऑफ इंदिरा IVF। आज हमारे सारे मरीजों के मन में एक सवाल बहुत ज़्यादा आ रहा है कि ये जो नई बीमारी आई है कोरोना वायरस नाम की, इसका IVF पे या प्रेगनेंसी पे क्या प्रभाव चल रहा है? जैसे बाकी की वायरल बीमारियां फैलती हैं कि खांसी से या छींकने से, थूक से, नाक के पानी से, ये भी उसी तरह से फैल रहा है, तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप नॉर्मल साबुन पानी से अपने हाथ को बार बार धोएं और हाथों को आँख में, नाक में, मुंह में लगाने को अवॉइड करें। और अगर आप स्टेरिलाइजेशन यूज़ कर रहे हैं, डिसइंफेक्टेंट्स यूज़ कर रहे हैं, तो उसके अंदर 60 से 70% तक अल्कोहल होना अनिवार्य है। अपने बचाव के लिए आप घरों के अंदर ही रहें। जितना ज़्यादा आप अपना सोशलाइजिंग कम करेंगे, अपने घरों के भीतर ही रहने की कोशिश करें, केवल जब बहुत ही इमरजेंसी हो तभी आप घर से बाहर निकलें। तो ऐसे मरीज़ जो अपना इलाज अभी शुरू करवाने का प्लान कर रहे थे पर अभी शुरू नहीं हुआ है, तो उनको मैं यही कहूँगी कि आप थोड़ा टाइम रुकें इस चीज़ के इलाज में जाने से पहले। परंतु जो लोग ऑलरेडी इस इलाज के अंदर चल रहे हैं, उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर उनका ओवम पिकअप अभी बाकी है तो वो किया जा सकता है। हाँ, उनके जो भ्रूण तैयार होंगे उन्हें फ्रीज करके रख लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि उनका ट्रांसफ़र हम थोड़े टाइम के बाद में प्लान करें। और जिन महिलाओं को प्रेगनेंसी आ चुकी है तो वो भी इस चीज़ के लिए बिल्कुल डरे नहीं, क्योंकि जो अभी तक डाटा अवेलेबल हुआ है उसके हिसाब से प्रेगनेंसी में अगर किसी को ये बीमारी हो जाती है तो उसका प्रभाव नॉर्मल जैसे बाकी के लोगों के लिए होता है वैसा ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि वो प्रेगनेंसी के कारण बहुत ज़्यादा गंभीर रूप ले लेगी बीमारी। परंतु ये बात भी है कि जो गर्भवती महिलाएं हैं वो बाकी की महिलाओं के कंपैरिजन में थोड़ी ज़्यादा सुसेप्टिबल हो सकती हैं। तो जिन भी लोगों को इम्यूनिटी कम है, जैसे कि उम्र के दोनों छोर हैं, बहुत छोटे बच्चे हैं या बड़े लोग हैं, उनको ये बीमारी ज़्यादा होती है। जिनकी इम्यूनिटी कम है, चाहे वो डायबिटीज़ के कारण हो, जिनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, जिनको एंटी कार्सिनोजेनिक मेडिसिन चलती हैं या बहुत हाई डोज में स्टीरॉइड्स चलते हैं, ऐसे मरीज़ जिनको किसी भी कारण से इम्यूनिटी उनकी सप्रेस्ड है, तो वो इसके लिए ज़्यादा प्रोन हैं। और रही हमारी जो गर्भवती महिलाओं की बात है, तो अगर उनको कोई इमरजेंसी नहीं है तो वो अपने घरों में ही रहें, अपने डॉक्टर्स के पास केवल और केवल इमरजेंसी की कंडीशंस में ही जाएं। जो नॉर्मल एंटीनेटल चेकअप्स होते हैं या उनके नॉर्मल जो विजिट्स हैं उनको आप अवॉइड करें। और अगर आपको कोई इमरजेंसी आ भी जाती है तो आप बहुत लंबा ट्रैवल ना करें, जो आपको नियरेस्ट गायनेक अवेलेबल है उसी से आप कंसल्ट करें। अगर आपकी प्रेगनेंसी चल रही है और आपको खांसी, जुकाम, बुखार हो रहा है, गले में दर्द हो रहा है, बहुत मांसपेशियां दर्द कर रही हैं, तो ऐसी चीज़ को आप अवॉइड ना करें। अपने जो नियरेस्ट सेंटर्स हमारी सरकार ने डिटेल करे हैं कि आप वहाँ जा कर के अपना चेकअप करा सकते हैं, तो आप अवश्य जाएं और अपना चेकअप कराएं, ताकि इस बीमारी की जांच करी जा सके और इसके अगेंस्ट फाइट किया जा सके। पर जैसे कि हम जान रहे हैं कि अभी तक कोई दवाई या वैक्सीन इसके लिए अवेलेबल नहीं है, तो सारा का सारा ध्यान हमारा इसकी प्रिवेंशन की तरफ होना चाहिए कि हम इसे आने से ही रोक सकें। तो लास्ट में मैं सबको यही कहना चाहती हूँ कि ये एक नई और डिफरेंट बीमारी हमारे सामने आई है, जो कि ना केवल हिंदुस्तान को इफ़ेक्ट करी है, ऑल ओवर वर्ल्ड को इफ़ेक्ट कर चुकी है। और अभी हमारा इंडिया इसके स्टेज 3 में जा रहा है, जहाँ ये कम्युनिटी में फैलती है, मतलब काफ़ी तेज़ी से एक दूसरे के साथ इसको अगर कॉन्टैक्ट होता है तो फैल जाएगी ये। तो अपने आप को आप बचा के रखें, जिनका ट्रीटमेंट IVF का चल रहा है वो उसे ना रोकें, उसे कंप्लीट कराएं, भ्रूण प्रत्यारोपण को थोड़े टाइम के लिए रोक लें, और जो प्रेगनेंसी में ऑलरेडी आ चुकी हैं महिलाएं, वो केवल और केवल इमरजेंसी के लिए ही अपने घर से बाहर निकलें। रूटीन एंटीनेटल चेकअप्स या जांचें या ऐसा चीज़ जो है वो अभी थोड़े टाइम तक के लिए डेफर कर दें।